बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि बंगाल से आ रही है। आपको बता दें ममता बनर्जी की ओर से एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया गया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ साजिश कर रही है बंगाल में माहौल को खराब करने की, बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, ये विवादित बयान दिया गया है ममता बनर्जी की ओर से। बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी बंगाल की मुख्यमंत्री इस वक्त करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे वो आम जनता हो या फिर विपक्षी दल हो, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके साथ में एक तरफ बर्बरता की जा रही है और दूसरी ओर ममता बनर्जी ने ये विवादित बयान दिया है कि अगर बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। मोदी बाबू अपनार पार्टी के दिए आगुन लगाच्छेन, मने राखबेन बांग्लाय जदि आगुन लागान आसामो थेमे थाकबे ना, नॉर्थ ईस्ट थेमे थाकबे ना, उत्तर प्रदेशो थेमे थाकबे ना, बिहारो थेमे थाकबे ना, झारखंड थेमे थाकबे ना, उड़ीसाओ थेमे थाकबे ना, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। মোদীবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, एक तरह से धमकी देती नजर आ रही हैं। एक बार फिर विवादित बयान ममता बनर्जी का ये सामने आ गया है। कहा यह गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है और अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा। ये खुलेआम बयान देती कोलकाता में ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। और हमारे साथ बीजेपी नेता प्रियंका टिबरीवाल जी जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि ममता भड़का भी रही हैं अपने समर्थकों को, क्योंकि सीधे सीधे कह रही हैं कि दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। प्रियंका जी देखिए, राज्य संभालने की औकात नहीं और बात करती है भारत को जलाने की। देखिए इनको जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ संभालना है उसमें तो ये असक्षम है, वो ये संभाल नहीं सक रही। और ये बात करती है कि नॉर्थ ईस्ट जलाएंगी और आसाम जलाएंगी और दिल्ली जलाएंगी। पश्चिम बंगाल में आज जितनी भी हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदार है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने दोषियों का साथ दिया, ममता बनर्जी ने आरोपियों का, रेपिस्ट लोगों का साथ दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी रेप का केस हो, जितने लोग पकड़े जाते हैं सब टीएमसी के नेता या नेता के पाले हुए गुंडे होते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल की जो ये स्थिति है उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ममता बनर्जी है। आज आम जनता उनसे कह रही है कि रेजिग्नेशन दो, लेकिन वो उनके ऊपर में ये क्या बोलते हैं, टीयर गैस के गोले और वाटर कैनन छुड़वाती हैं। कल कितने लोगों को जख्मी किया इस ममता बनर्जी की खूनी सरकार ने, क्योंकि वो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ हो डॉक्टर बेटी के साथ में। तो आज दुनिया ये देख रही है, पूरी दुनिया भी देख रही है और पश्चिम बंगाल की जनता तो जान ही चुकी है इस चीज को। तो ममता बनर्जी का अंत कोई और नहीं, ममता बनर्जी स्वयं करेंगी। बिल्कुल प्रियंका जी, तो क्या किसी बात का डर है, खौफ है जो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बयान दिया गया है? और उससे पहले अगर कल प्रोटेस्ट की ही बात कर लें तो प्रोटेस्ट के पहले से ही जिस तरीके से 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है, तैयारी की जा रही थी, खौफ है किसी बात का? देखिए ये पुलिस की तैनाती अगर वो उस अस्पताल में करती जहां प्रोटेस्ट करने वाले को इन्हीं के गुंडों ने जाके पीटा था, तब इस तरह का हादसा नहीं होता। अगर ये सुरक्षा जो ये अपने लिए बैठा रही हैं, ये अस्पतालों में बाकी पब्लिक प्लेसेस में हो तो बेटियों के साथ बलात्कार ना हो। लेकिन ममता बनर्जी को किसी की बेटी, किसी की बहू की इज्जत की परवाह नहीं, अपनी जान की इतनी परवाह है, अपने लिए इतना खौफ है कि पूरा किला गढ़ डाला नवान्नों के आसपास कि वहां पंछी भी पड़ नहीं मार पाए। नवान्नों है
आप बिल्कुल प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान सामने आ गया है। कोलकाता की घटना बेहद भयानक है। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब बस बहुत हो चुका है, मैं निराश हूँ और भयभीत हूँ। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। सभ्य समाज की में इसकी जगह नहीं है, जिस तरीके की हरकत की गई है वो सभ्य समाज में ऐसी हरकत की कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता कांड में एसआई का पॉलीग्राफ टेस्ट एसआई अरूप दत्ता का करवा रही है सीबीआई। पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष से भी सीबीआई यहां पर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें अरूप दत्ता एएसआई जो कि संजय रॉय का बेहद करीबी माना जाता है, और इस पूरे मामले में इससे पहले भी इससे तफ्तीश हो चुकी है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद में क्या घनिष्ठता रही है इन दोनों के बीच में, इस पर सवालिया निशान भी खड़े हुए थे, और अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संदीप घोष से, जहां देखिए पूछताछ लगातार चल रही है, वहीं अरूप दत्ता जिसका सीधा कनेक्शन सामने आ गया था उससे भी अब पॉलीग्राफ टेस्ट करके सच उगलवाने की कोशिश है। जतिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और अरूप दत्ता जिसका नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसे कॉन्टैक्ट किया गया था संजय रॉय की तरफ से, उससे भी अब बातचीत की जा रही है। आज बिल्कुल देखिए, सीबीआई हर उस करेक्टर का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है जो कि इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। संजय रॉय का बेहद करीबी माना जाता है अरूप दत्ता, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद वो अरूप दत्ता के ही बैरक में जाकर सो गया था, और कहीं ना कहीं वारदात वाली रात अरूप दत्ता को ही संजय रॉय ने कॉल किया था, और एक कॉल रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास है, और यही कारण था कि कल कोर्ट का रुख किया गया और अरूप दत्ता के पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो परमिशन है वो ली गई। तकरीबन एक से सवा घंटे का समय बीत चुका है, अरूप दत्ता का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो सीबीआई कंडक्ट करा रही है। आपको याद होगा इससे पहले जब सीबीआई ने अरूप दत्ता से पूछताछ की थी, वो सीबीआई दफ्तर में भागता हुआ गया था। हमने कई सवाल पूछे थे कि क्या कारण है, क्या फोन पे बात हुई, कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं मीडिया से बचने की कोशिश अरूप दत्ता एएसआई ने की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितना वो जानता है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, क्या कुछ ऐसा वो छुपा रहा है जो कि इन्वेस्टिगेशन में अरूप दत्ता ने नहीं बताया, और ये तमाम सवाल थे जो कि सीबीआई को परेशान कर रहे थे। क्लियरिटी नहीं थी, इसीलिए कोर्ट का जो रुख है वो किया गया है। अरूप दत्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है, संजय राय का बेहद करीबी, कई बार शराब की जो बात है वो अरूप दत्ता के साथ संजय राय पीता था, उसकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो सीबीआई ये चाह रही है कि अरूप दत्ता के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं, उसको लेकर क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। कल अरूप दत्ता को फिजिकली कोर्ट में पेश किया गया था, उसका कंसेंट मांगा गया था, और उसके बाद आज तकरीबन एक से सवा घंटे का समय हो गया जहां पे अरूप दत्ता से अभी जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज 12वीं बार सीबीआई के सामने मौजूद है। सुबह 10 बजे के आसपास वो पहुंच गए थे, तो एक टीम जहां अरूप दत्ता का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रही है, तो दूसरी टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्रवाई में सीबीआई यहां पर जुटी हुई है और तलाश रही है सवालों के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए जतिन। तो पूरे मामले में 8 और 9 की रात को क्या हुआ, इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ जानकारी जुटाने के लिए सीबीआई जुटी हुई है और सवाल जवाब कर रही है। क्या सिर्फ संजय ही आरोपी है या इसमें कोई और भी शामिल है? अब अरूप दत्ता का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, देखिए रिपोर्ट। संजय ने क्या क्या छिपाया, अरूप वो सब बताएगा। 8-9 अगस्त की रात क्या हुआ, संजय राय का दोस्त यही कहानी सुनाएगा। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की पूरी टाइमलाइन अरूप दत्ता बताएगा। करीब 20 दिन बाद ही कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पिछले 15 दिन से मामले में तफ्तीश कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और आरोपी संजय राय समेत कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए जा चुके हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला है। लिहाजा सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय राय के उस दोस्त का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है जिसके पास संजय राय कत्ल वाली रात जाकर सोया था। अरूप दत्ता कौन है, क्यों रेप मर्डर केस में उसका नाम आ रहा है और पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है?
अरूप दत्ता वही है जिसके पास संजय राय कत्ल वाली रात जाकर सोया था। वो कोलकाता पुलिस में एएसआई। बताया जा रहा है कि रेनी डॉक्टर का कत्ल करने के बाद संजय राय अरूप दत्ता के ही बैरक में जाकर सोया था। सूत्रों के मुताबिक वारदात की रात आरोपी संजय राय ने एएसआई अरूप दत्ता को फोन भी किया था। एएसआई अरूप दत्त का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई। दरअसल एएसआई अरूप दत्त मुख्य आरोपी संजय राय का बेहद करीबी माना जाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद संजय राय अरूप दत्त के ही बैरक में जाके सो गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि वारदात वाली रात संजय राय ने अरूप दत्त को कई फोन भी किए थे। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं और यही कारण है कि सीबीआई एएसआई अरूप दत्त का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को शक है कि एएसआई अरूप दत्ता कुछ छिपा रहा है, क्योंकि संजय राय पुलिस और राजनीतिक रसूख के चलते अब तक बचता आ रहा है और यही वजह है कि सीबीआई अरूप दत्ता से जानना चाहती है कि संजय को बचाने के पीछे और किस किस का हाथ है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट में अरूप दत्ता से सवाल पूछे जा सकते हैं कि संजय राय से फोन पर क्या बात हुई, संजय राय के बारे में क्या जानता है, क्या उसे हत्या की जानकारी थी, वारदात में और कौन कौन शामिल है। तमाम सवाल पूछे गए जिसपे सबसे बड़ा सवाल यही था कि वारदात वाली रात संजय राय ने जब एएसआई अरूप दत्त को कॉल किया तो क्या जानकारी दी, लेकिन सीबीआई को उसके सवालों के जवाब पर भरोसा नहीं है और इसी से जुड़े सवाल एएसआई अरूप दत्त से पूछे जाएंगे। यही पूछा जाएगा कि आपको कॉल क्यों किया गया, आप क्या कुछ जानते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाबों को लेकर सीबीआई क्लैरिटी चाहती है। मुख्य आरोपी संजय राय को अरूप दत्ता के घर से गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही उसकी संजय राय के साथ एक फोटो भी सामने आई थी, लिहाजा वो सीबीआई के रडार पर है। अब अरूप दत्ता क्या क्या सच बताएगा और क्या छिपाएगा वो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।